काम नहीं कर रही है क्या? काम कर रहा है, हाईवे बनवा रहा है गरीब के लिए। क्या लगता है सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए। मोदी जी जो दिए नीतीश क्या किए? कुछ नहीं किए, सब हवा में पी गए। क्या लगता है सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना तो काम चाहिए। नहीं कर रही है काम, उतना नहीं कर रही है। काम कर रही है नीतीश कुमार सरकार? सरकार क्या काम कर रहे है? सरकार सारे फालतू काम कर रही है। सरकार काम कर रहा है, क्या कर रहा है? सब पूरा गरीब के तो भूखे मार दी। लॉकडाउन प्रॉब्लम लगा था, भूखे ना कुछ हुआ तो फायदा। भारत लाइव देख रहे हैं आप, मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिए जो तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने से समीकरण बना रही हैं, दावे कर रही हैं कि हमारी सरकार आएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो हम जनता से ही जानेंगे कि आखिर में किसकी सरकार, क्या नीतीश कुमार की सरकार बेहतर है या तेजस्वी को बनना चाहिए या और भी विकल्प दिया जा रहा है, क्या उन लोगों को सत्ता में आना चाहिए, बिहार में बदलाव की जरूरत है कि नहीं है। इस वक्त हम हैं हड़ताली मोड़ के पास, ठेला लगा हुआ है नाश्ता का, यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं, बातचीत करते हैं। बाबा क्या नाम है? हमारा सुरेश प्रसाद नाम है। बाबा क्या लगता है सरकार ठीक से काम कर रही है? हमारा कोई पता ही सब नहीं लगता है। हमारा नहीं पता लगता है सर। सब पता नहीं लगता है। अच्छा लॉकडाउन में अनाज उनाज मिला है फ्री में? ये सब नहीं मिला है, बोलिए। नहीं मिला है? नहीं मिला है। घर में शौचालय बना है सरकार के पैसे से? नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा लालू यादव सरकार ठीक था? हम का कहे जी, आप लोग समझिए ठीक था। क्या क्या नाम है? हमारा नाम अशोक कुमार वर्मा है। वर्मा जी क्या लगता है सरकार काम कर रही है नीतीश कुमार सरकार? सरकार क्या काम कर रहे है? सरकार सारे फालतू काम कर रही है। पार्क बना रहा है और पुल बना रहा है, इससे थोड़ा गरीब कुछ होगा। गरीब को व्यवस्था चाहिए, रोड पर रहने के लिए, खाने के लिए। रहता है तुरंत निगम वाला आएगा, 300 रुपया लेगा। हाँ 300 रुपया दे दीजिए तो ठीक है, ना तो दुकान हटाइए। बताइए। हाँ तो आप क्या करते हैं? हम तो कॉरपोरेशन में काम करते थे। हमारा भी साला रखे हुआ है 20-25 साल से पैसा रखे हुआ है। लॉकडाउन में हम कर्मचारी हैं। हमारा पैसा रखे हुआ है जूतों के टेन करके टाइम पास कर रहा है। अच्छा लॉकडाउन में अनाज उनाज मिला है? कुछ नहीं। कुछ नहीं सरकार कुछ तो नहीं। कि सबको दिए हैं कुछ सब, यही तो है इसका काम है। यह देता कुछ नहीं है, हल्ला हो जाता है सबको मिला। क्या मिला? मसा का एगो लाइफ बॉय साबुन नहीं तो बांटा, इसी में तो खा गया 20,000 करोड़। इसी में रखा गया। मोदी जी जो दिए नीतीश क्या किए? कुछ नहीं किए, सब हवा में पी गए। हाँ तो मोदी जी दिए ना? हाँ मोदी जी तो दिए। नीतीश कुमार नहीं किए ना? नीतीश कुमार सब हवा में पी गए, पुल में दे दिए, कुछ पार्क में दे दिए कि सब जाएगा एंजॉय करेगा, हाई करेगा, यही सब कर रहा। समाज बाबा समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? एकदम बदलाव होना चाहिए। कोई आएगा लेकिन सरकार दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, चाहे ABCD कोई भी आए, दूसरा आएगा, ना नीतीश आएगा ना मन कुछ होगा। मतलब कि निश्चित है एकदम दूसरा आएगा? एकदम तय हो गया, नीतीश जी को हाथ धो के जाना है, जाना है, जाना है एकदम। बहुत ड्रामा किया बाबा, एकदम ताल ठोकना है कि नीतीश जी को अब जाना है। यहाँ पाइए थोड़ा सा आगे। हाँ नहीं बाबा आप आइए। अच्छा चलिए वो नहीं बोलेंगे, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ से, उनसे जानते हैं कि ताल ठोके क्या बोलते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? नरेश पासवान। पासवान जी क्या लगता है सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रहा है, क्या कर रहा है? सब पूरा गरीब के तो भूखे मार दी। अब लॉकडाउन प्रॉब्लम लगा था, भूखे ना कुछ हुआ तो फायदा। क्या करते हैं आप? हवाबाई चलाते हैं। हवाबाई चलाते हैं तो लॉकडाउन में तो ये सब बंद रहा? बंद रहा था, पेट ना ना मानी से तो पेट नहीं मैं तो सरकार बोली खाने के लिए हम दिए हैं फ्री में अनाज साबुन तेल। कुछ ना मिला, कोई को मिला कोई को नहीं मिला, एक को मिला एक को नहीं मिला। क्या लगता है सरकार को बदलना चाहिए? सरकार बदल नहीं है। चुनाव है कि आप लोग क्या करेंगे? अब जिस सबको देखेंगे सब गिरावेगा, जब कोई पल्ला भाई होकर भी गिरा देंगे, वोट बर्बाद कर देगा, फायदा। अरे तेजस्वी यादव को आना चाहिए का? तेजस्वी यादव को? अरे कोई सरकार आवे बढ़िया चलावे तो काहे ना हम लोग साथ देंगे। बढ़िया चलाएगा तो, लेकिन नीतीश कुमार से नाखुश है आप? अब नाखुश तो है ही, सब गाड़ी घोड़ा लगा गरीब आदमी मर ही रहा है। देखिए गरीब आदमी मन रहा, लॉकडाउन में जो स्थिति रही बिहार की उससे हर व्यक्ति परिचित है, ऐसा नहीं है कि किसी से अछूता है।
और भी लोग हैं यहाँ से कुछ काम करने वाले लोग, आइए आप भी बोलिए क्या नाम है। हाँ, उनसे बातचीत करते हैं, आप बताइए मुन्ना कुमार क्या करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। क्या लगता है सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना तो काम नहीं कर रही है, काम उतना नहीं कर रही है, नहीं कर रही है नहीं, जितना गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में अनाज वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला हमको। किसको आना चाहिए, क्या तेजस्वी दवाएंगे? देखिए कह तो रहे हैं कि हम ही बनेंगे इस बार, संभव है? संभव तो है, संभव है। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं, मतलब काम नहीं कर रहे इस वजह से नीतीश कुमार से लोग खुश नहीं है। और भी लोग है, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो खगोल से आ रहे हैं। खगोल से आ रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? सरकार तो काम कर रही है। कर रही है, क्या कर रही है ये लोग को बताइए। वो लोग बोल रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, गरीब व्यक्ति नहीं। प्रोग्रेस तो हो रहा है सरकार के, पटना का पूरा बिहार का प्रोग्रेस हो रहा है। लॉकडाउन में लोग का शिकायत है कि हम लोग को अनाज नहीं मिला, सरकार कहती है दिए हम नहीं। भारत सरकार तो अपना काम कर रही है। एक बात बाबा बोले कि भारत सरकार दी लेकिन नीतीश कुमार नहीं नहीं वहाँ से तो अभी प्रत्येक पंचायत में अभी बांटा जा रहा है गांव-गांव पे यहाँ। अच्छा आप क्या करते हैं? हम तो गवर्नमेंट सर्विस है। गवर्नमेंट सर्विस है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं है आपको दिक्कत, लेकिन जिनके पास प्राइवेट जॉब है, लॉकडाउन में क्या स्थिति रही? वो तो छिपा नहीं है। नहीं वो तो मुसीबत है, गरीब है ना, प्राइवेट वाले उन सबको तो बहुत है। चलिए गवर्नमेंट जॉब है तो खैर, गवर्नमेंट जॉब वाले को तो उतनी बहुत परेशानी नहीं सामना करना पड़ा, लेकिन खैर जो लोग रोज़ कमाने वाले हैं, खास तौर पे उनके लिए जैसे रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या इस लॉकडाउन में रहा। पानी पी रहे हैं, क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज जी क्या लगता है, लोग कह रहे हैं सरकार से बहुत शिकायत है, आपको क्या शिकायत है? शिकायत तो है, ऐसा थोड़ा नहीं है कि नहीं काम नहीं कर रही है। क्या सरकार काम कर रहा है? हाईवे बनवा रहा है, गरीब के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। हाँ, आप क्या करते हैं? आप क्या? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी भाई चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं रोज? अभी तो लॉकडाउन में उतना 200-250। कितने फैमिली हैं? हम लोग तो 10 फैमिली है। 200-250 में 10 फैमिली का गुजारा हो जाता है? मम्मी है, पापा है, पाँच भाई हैं और मेरा 3 गो बाल बच्चा है। हाँ। मेरे भाई का 2 गो है। हाँ। उससे इससे नहीं चलता है। हाँ। ठीक ना, तो क्या उतने में नहीं, नहीं होता? अच्छा, लॉकडाउन में सरकार कहती है कि फ्री में हम अनाज दिए, बहुत सारे चीज़ें दिए जाए लोगों को, गरीबों को दिक्कत ना हो, आप लोग को मिला? हम लोग के तो अभी मिल रहा है इधर, वो अभी कंट्रोल से जाइएगा अंगूठा लगाइएगा तब मिल रहा है। अब मिल रहा, पहले नहीं? पहले नहीं मिला, पहले नहीं मिला। नहीं कैसे चल रहा था ये सब, मतलब कि गाड़ी घोड़ा तो सब बंद था? हाँ, हम लोग मंडी जाते थे सुबह में, गाड़ी चलता था तो मंडी जाते थे। मंडी जाते थोड़ी बहुत कमाई होती? हाँ, थोड़े बहुत 200-400 अपना कमा तो अपना गुजारा। अच्छा क्या लगता है सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, किनको आना चाहिए? अब किनको आना, जो भी आए, मगर आए तब तनी उनसे तनी अच्छा करे, यही हम चाहते हैं। आप युवा हैं, एक युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार क्या सरकार दे रही है? नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। आपके घर में भी और भी लोग होंगे? हाँ। कहाँ जाते हैं लोग रोजगार के लिए? हम लोग के गन्ना दुकान भी है। गन्ना दुकान है, मतलब अपना अपना है, अपना है तो उसको चलाते हैं, उससे गुजारा होता करते हैं। उसका भी सेल नहीं ना है? उसका भी सेल नहीं, उसका भी सेल नहीं। कोरोना में थोड़ा दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत हो गया। कोरोना से पहले थोड़ा ठीक था, ऐसा समय में किया है कि हम लोग का सीजन भी खत्म हो गया, मतलब जो अच्छा, कमाना चाहिए। यादव को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, वो तो बोल रहे हैं कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। बनेंगे तो अच्छी बात है, आप लोग वोट दीजिएगा। काहे नहीं देंगे, बदलना चाहिए, हम चाहते हैं कोई या बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। देखिए ज़्यादातर लोगों से हमने बात की तो साफ यही कहना है कि चाहे कोई आए लेकिन नीतीश कुमार को बदलना चाहिए। नीतीश कुमार के कार्यशैली से ये लोग कहीं ना कहीं, जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत तंग आ गए हैं। रोड बनवा रहे हैं, फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, पार्क बनवा रहे हैं, लेकिन गरीबों के हित में कुछ नहीं कर रहे। ये मैं नहीं कर रहा, ये यहाँ के लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने सुना कि किस तरीके से लोगों का शिकायत रहा कि पूरे लॉकडाउन सरकार दावे तो करती है लेकिन दावों की क्या हकीकत है, उससे यहाँ के लोगों ने रूबरू करा दिया। खैर और भी लोगों से मिलेंगे, बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।